हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका चैनल सिविल इंजीनियर विकास चल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 15 फीट x 20 स्क्वायर फीट का स्लाब हम लोग कास्टिंग करेंगे तो उसमें हम लोगों का मेटेरियल प्लस लेबर खर्चा कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेटेरियल में हमारा आएगा क्या, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, ये हमारा हो गया मेटेरियल। प्लस हम लोग को लेबर खर्चा कितना देना है, इसी वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हमारा वीडियो की तरफ से। तो दोस्तों, 15 फीट x 20 स्क्वायर फीट का आप लोग स्लाब हम लोग कास्टिंग करेंगे तो उसमें हम लोग को जो स्लाब का हमारा कितना मटेरियल लग गया उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों स्लाब में हमारा लग गया 35 बैग, मेरा लग गया क्या सीमेंट। और जो स्लाब के नीचे आप लोग देखेंगे, जब भी आप लोग स्लाब कास्टिंग करते हैं तो उसके नीचे हमारा स्लाब बीम होता है। वो स्लाब बीम को कास्टिंग करने के लिए मेरा एक्स्ट्रा 7 बैग लग गया। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी आप लोग स्लाब कास्टिंग करते हैं तो आप लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो स्लाब के साथ साथ आप लोग को स्लाब बीम का भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा कितना हो गया, मेरा 35 बैग मेरा लगा था स्लाब में और प्लस 7 बैग मेरा लगा था स्लाब बीम में। तो टोटल हो गया मेरा कितना, 42 बैग मेरा सीमेंट हो गया। ठीक है, तो मार्केट में मेरे को 425 रुपये में पड़ा था, तो 42 × 425 करेंगे तो कितना आ गया मेरा, 17,850 रुपये मेरे को पड़ा था क्या सीमेंट का प्राइस। तो उसके बाद हमारा कितना, उसके बाद हमारा आ गया सैंड। सैंड में हमारा जो स्लैब पे मेरा यूज हुआ सैंड, तो 84 CFT मेरा यूज हुआ है, क्यू फीट मेरा यूज हुआ है सैंड, प्लस 16 CFT मेरा लग गया ना कहाँ पे, मेरा स्लैब बीम पे। तो 84 + 16 कर देंगे तो आप लोग का आ जाएगा ना 100 क्यू फीट आप लोग को लग गया। तो 100 × per³ फीट मेरे को 75 रुपये में पड़ रहा है, तो 100 × 75 करेंगे तो 7,500 रुपये आप लोग को पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सैंड का कॉस्ट। उसके बाद आप लोग का एग्रीगेट, एग्रीगेट मेरे को पड़ा था 126 CFT मेरा लगा था कहाँ पे, स्लाब में। और जो स्लाब बीम में मेरा यूज हुआ था वो 24 CFT मेरा यूज हुआ था स्लाब बीम में। तो 126 + 26 करेंगे तो आप लोग को 150 क्यू फीट टोटल एग्रीगेट लग गया। तो पर एग्रीगेट का जो क्यू फीट का जो रेट हो गया मेरा 79 रुपया मेरा पड़ा था, तो 79 कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग को 11,850 रुपया आप लोग को एग्रीगेट में लग गया। उसके बाद हम लोग को स्टील का बात करेंगे। स्टील में हम लोग स्लाब में जो स्टील यूज किए थे हम लोग, तो स्लाब में हमारा 302 kg हमारा स्टील यूज हुआ था, जो कि 10 mm का सरिया था, वो स्लाब में हमारा यूज हुआ था। उसके साथ साथ हमारा जो स्लाब बीम में हमारा भी सरिया यूज हुआ था, तो उसका 118 kg हमारा स्लाब में हमारा यूज हुआ था। ठीक है, और स्लाब बीम के अंदर हम लोग का स्टीरअप देना पड़ता है, तो स्टीरअप के लिए हम लोग को कितना हुआ था, 59 kg मेरा सरिया यूज हुआ था रिंग बनाने में। ठीक है, तो टोटल कर देंगे तो टोटल मेरा कितना आ गया, 479 kg मेरा आ गया क्या टोटल स्टील का। तो पर स्टील मतलब स्टील का जो केजी का प्राइस मेरा 67 रुपया पड़ा था, तो 479 + 67 करेंगे तो यहाँ पे मेरे को पड़ेगा 32,093 रुपया मेरे को पड़ेगा क्या स्टील। उसके बाद जो लेबर खर्चा होगा हमारा, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी हम लोग स्लाब करते हैं तो स्लाब के अंदर हम लोग बाहर की तरफ से कुछ निकालते हैं, जैसे 1 फीट 2 फीट हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग जो 15 फीट था उसमें हम लोग 2 फीट निकाला था, 17 फीट हो गया, और 20 फीट जिसमें था उसमें हम लोग 3 फीट ज़्यादा निकाला था, वहाँ पे मतलब हो गया मेरा 23 फीट। तो 17 × 23 करेंगे तो आप लोग का कितना आ जाएगा, 391 आप लोग को स्क्वायर फीट आप लोग का हो गया। इतना में आप लोग को स्लाब कास्टिंग करना है, तो 391 × 36 करेंगे मेरा पर स्क्वायर फीट के जो लेबर खर्चा हुआ था 36 रुपया डील हुआ था, तो 391 × 36 करेंगे तो आप लोग को 14,076 रुपया आप लोग को पड़ेगा। तो टोटल करेंगे
17,850, 7,500, 11,850, 32,093 और 14,076। तो टोटल करेंगे तो आप लोग का 83,369 आप लोग को पड़ेगा। ठीक है, 83,369 आप लोग को एक 15 फीट × 20 फीट जो स्लाब हमारा कास्टिंग करेंगे तो आप लोग को मटेरियल का खर्चा और लेबर का खर्चा पड़ेगा। मतलब 83,000 से लेके आप लोग को 86,000 के बीच में आप लोग को पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप लोग को याद भी रखना है कि लोकेशन के हिसाब से आप लोग का सैंड एग्रीगेट का रेट प्राइस कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारा चैनल में नया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।